वो जिस तरह की फ्लैगशिप योजनाएं हमारे मुख्यमंत्री जी ने दी है, जिस तरह से महंगाई कम करने के कैंप लगे हैं राजस्थान भर में, एक फिजा बनी है कांग्रेस के पक्ष में। और कांग्रेस की सरकार इसीलिए रिपीट हो रही है कि मोदी जी और बीजेपी वाले हवा में हैं। वो ये सोचते हम करेंगे कुछ नहीं तब भी हम सरकार बनाएंगे, इस मिथिक को अब की बार राजस्थान की जनता तोड़ने जा रही है। आप मेरे को बताइए, भारतीय जनता पार्टी को 25 सांसद दिए कि नहीं दिए? अगर कांग्रेस को सरकार दिए राजस्थान की जनता ने, तो 4 महीने बाद 25 सांसद दिए, 13 जिलों की प्यास बुझाने वाली ERCP, 2 लाख हेक्टर जमीन सिंचित करने वाली योजना, मंत्री भी राजस्थान का, और भारतीय जनता पार्टी फैसला नहीं करेगी, बदला किससे ले रहे हो? उसी राजस्थान की जनता से जिन्होंने 25 सांसद दिए आपको। उपलब्धियां बताओ, हम अपनी उपलब्धियां लेके जा रहे हैं कि हमने 25 लाख का बीमा किया हर परिवार का, हमने 10 लाख का दुर्घटना बीमा किया है, हम 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं, हम मिनिमम पेंशन 1000 रुपए दे रहे हैं, हमने पशुपालकों के जीवन में परिवर्तन लाया, 5 रुपए लीटर सब्सिडी और 40,000 रुपए 2 पशुओं का बीमा किया है, हम राशन दे रहे हैं गरीबों को। बीजेपी क्या दे रही है? झांसा, और झांसे से वोट लेना चाहते हैं। देखिए वो हमारी इंटरनल बात है, लेकिन ये पक्का है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी विचार विमर्श कर रही है, सही उम्मीदवार उतरेगा, जिसको कार्यकर्ता और जनता पसंद करती है वो उम्मीदवार आएगा और कांग्रेस वापस सरकार बनाएगी। कैलाश मेघवाल जी कितने सीनियर लीडर हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके, क्षेत्र में मंत्री रह चुके, राजस्थान में मंत्री रह चुके, कितनी बार MP और MLA रह चुके, 90 साल की उम्र है उनकी, कभी बीजेपी छोड़ी नहीं उन्होंने। ये उनके तजुर्बे के आधार पे अगर वो बात कहते हैं तो बीजेपी को सुननी चाहिए उनकी बात, और उनकी बात में अगर दम है तो कार्रवाई भी करनी चाहिए। ये तो मोदी जी को करना है, बीजेपी ढिंढोरा तो ये पीट रही है कि डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने देश का संविधान लिखा, वो देश के कानून मंत्री बने, और उसके बाद एक दलित बीजेपी ने कानून मंत्री बनाया, उसके लिए कैलाश मेघवाल जी क्या कह रहे हैं, ये बीजेपी को सोचना है। देखिए ये तो शुभ संकेत है, कांग्रेस की टिकट लेने की होड़ मची हुई है, और होड़ तभी मचती है जब टिकट में दम होता है और सत्ता में वापसी की गुंजाइश होती है, वरना कोई अपना समय खराब नहीं करता। कांग्रेस इसीलिए रिपीट हो रही है। मैं 3 जिलों में जाके आया हूँ, 10-10 हजार आदमी टिकट मांगने के लिए आ रहे हैं, ऐसा जलवा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। देखिए दोनों तरह एक बात सुनिए, टिकट मांगना गुना नहीं है, हर आदमी अपने तरीके से अपनी बात कहता है, हम इंटरनल डेमोक्रेसी वाले पार्टी के लोग हैं, लेकिन जिस दिन टिकट फैसला हो जाएगा उस दिन पूरी कांग्रेस एक जाजम पे रहेगी, ये पक्का मान के चलना।